नागालैंड में वर्षा के पैटर्न में बदलाव आया है। इसके कारण वहां सूखे जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। इसके कारण किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। खासकर धान किसान खासे चिंतित हैं, क्योंकि नागालैंड में धान का उत्पादन ज्यादातर स्व उपभोग के लिए किया जाता है। पहाड़ी राज्य में लगातार सूखे जैसी स्थिति के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इससे किसानों और उनके परिवारों में खलबली सी मच गई है। इस क्षेत्र में वर्षा के पैटर्न में काफी बदलाव आया है और राज्य सूख रहा है। इस साल कम बारिश के कारण ये सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। यहाँ के अधिकांश घरों में पानी जमा करने की कोई स्थिति नहीं है और वे अपने खेतों में पानी की आपूर्ति के लिए नदियों और नालों पर निर्भर हैं। लेकिन जलाशय सूख गए हैं। धान की बुवाई जून में शुरू होती है, इसकी कटाई नवंबर में की जाती है, लेकिन अधिकांश किसान वर्षा की कमी के कारण बुवाई नहीं कर सके थे। नागालैंड के कृषि उत्पादन पद अधिकारी ने कहा है कि हम पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन की दोहरी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमें अभी कृषि को हुए कुल मैट्रिक उत्पाद नुकसान का आकलन कर रहे हैं, क्योंकि कटाई दिसंबर तक जारी रहेगी। हम मानते हैं कि खेती का हमारा पारंपरिक तरीका अब आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे राज्य की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों से अलग है। हम गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन कृषि उपज को दोगुना करने का सवाल ही नहीं उठता है। केंद्र सरकार को चेक डैम और जलाशयों के निर्माण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।